सरकार की ओर से गन्ना किसानों के लिए एक बहुत राहत भरी खबर सामने आई है, जिसे सुनकर गन्ना किसान खुश नजर आ रहे हैं। दरअसल केंद्र सरकार ने गन्ना पिराई सीजन के लिए गन्ने की खरीद हेतु चीनी मिलों के लिए नया मूल्य तय कर दिया है। अब इसी रेट पर चीनी मिलें देश भर में किसानों से गन्ने की खरीद करेगी। हाल ही में केंद्र की मोदी सरकार ने गन्ने का FRP जारी किया है। इसके तहत गन्ने की फसल का मूल्य 10 रुपये प्रति क्विंटल बढ़ा दिया गया है। इससे किसानों को पिराई सीजन 2023-24 में चीनी मिलों द्वारा खरीदने पर प्रति क्विंटल 10 रुपये ज्यादा मिलेगा। इससे किसानों को लाभ होगा। बता दें कि गन्ना पिराई सीजन 2023-24 के लिए केंद्र सरकार ने गन्ने का FRP 315 रुपये तय किया है। इससे पहले FRP 305 रुपये था। गन्ने पर प्रति क्विंटल की नई 10 रुपये की बढ़ोतरी से गन्ना किसानों को राहत मिलेगी। सरकार के मुताबिक गन्ने का FRP 10.25% के रिकवरी रेट के हिसाब से प्रोडक्शन कॉस्ट से 101.6% ज्यादा किसानों को दिया जा रहा है। क्या होता है गन्ने का FRP? FRP यानी फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, जिसका मतलब होता है उचित और लाभकारी मूल्य। FRP गन्ने का वो मूल्य होता है जिस पर चीनी मिलें गन्ना खरीदती हैं। इससे कम में चीनी मिलें गन्ना की खरीद नहीं कर सकती। इससे किसानों को गन्ने का उचित मूल्य मिलता है। चीनी मिलें इस तय किए गए रेट से कम में किसानों से गन्ने नहीं खरीद सकती। भारत के कुछ ऐसे राज्य जहां गन्ने का उत्पादन ज्यादा होता है, वहां राज्य सरकार खुद अपने गन्ने का मूल्य तय करती है। इस मूल्य को SAP यानी स्टेट एडवाइजरी प्राइस कहते हैं। ये SAP प्राइस FRP से अधिक होता है। इस मूल्य को राज्य अपने स्तर पर जारी करती है। प्रायः गन्ने का SAP FRP के आने के बाद निर्धारित किया जाता है। इस बढ़े हुए SAP का भुगतान राज्य सरकार खुद करती है। कब से शुरू होगी नए रेट पर गन्ने की खरीद? केंद्र सरकार की ओर से बढ़ाए गए गन्ने के नए रेट पर किसानों से खरीद पेराई सीजन अक्टूबर 2023 से शुरू हो जाएगी। गन्ने का पेराई सीजन अक्टूबर से सितंबर तक का होता है। ऐसे में ये नया मूल्य अक्टूबर 2023 से लेकर सितंबर 2024 तक के लिए मान्य होगा। इस दौरान चीनी मिलें किसानों से केंद्र द्वारा तय किए गए मूल्य पर गन्ने की खरीद करेगी। 5 करोड़ गन्ना किसानों को मिलेगा बढ़े हुए FRP का लाभ। केंद्र सरकार की ओर से गन्ने का FRP बढ़ाने से गन्ना उत्पादन से जुड़े करीब 5 करोड़ किसानों को इसका लाभ होगा। इसके अलावा गन्ना मिलों और गन्ने के क्षेत्र से जुड़े 5 लाख लोगों को भी इसका लाभ होगा। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट की बैठक में ये जानकारी देते हुए बताया कि गन्ना किसानों के लिए केंद्र की मोदी सरकार ने FRP में 10 रुपये प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी करने का फैसला किया है।